इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकेरियोटिक जीन रेगुलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन एंड प्रोकेरियोटिक जीन रेगुलेशन में मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकेरियोटिक जीन रेगुलेशन मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट होता था, बट यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल के साथ साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी रेगुलेट होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट होना मींस ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी स्टेप्स हैं, चाहे वो आरएनए प्रोसेसिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो पोस्ट ट्रांसलेशन हो, इन सब लेवल पे जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होना, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। सो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे तो रेगुलेट होता ही होता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेट होना, बट कुछ केसेस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली भी रेगुलेट होता है, चाहे वो प्रोसेसिंग के लेवल पे रेगुलेट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लेवल पे रेगुलेट हो, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद आरएनए कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जाते वक्त हमारा वो रेगुलेट हो कि अब एक्सप्रेशन आना है, उसको ट्रांसपोर्ट में भेजे या नहीं भेजे। ट्रांसलेशन लेवल पे प्रोटीन फॉर्मेशन करे नहीं करे, ट्रांसलेशन सही से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे रेगुलेट होना। पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट होना, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होते हैं उस लेवल पे रेगुलेट होना, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कैसे रेगुलेट होता है यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन। वो भी टू टाइप से होता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू या नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हमारा डीएनए पे होगा या स्टोन पे होगा, एंड नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हमारा न्यूक्लियोसोम में होगा। अब इसको समझते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियस में, वो स्टोन के अराउंड रैप होता है, देन हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब वो स्टोन के अराउंड रैप होता है, स्टोन हमारी एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच प्रोटीन है। स्टोन हमारी H1 होती है, H2A, H2B, H3, H4, ये हमारे स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन पे हमारा जो डीएनए है वो हमारा रैप होता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, स्टोन पॉजिटिव चार्ज है, इजिली रैप हो जाता है, और हमारा इस तरीके से हमारा पैक होता है डीएनए, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं होना है वो सब हमारा डीएनए और स्टोन प्रोटीन के केमिकल मॉडिफिकेशन पे, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कैसे, देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि डीएनए पे क्या हमारा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो जिसकी वजह से वहां पे रेगुलेशन हो कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, जीन ए एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। डीएनए में मॉडिफिकेशन जो होता है दैट इज मिथाइलेशन। सीपीजी, जहां भी हमारा ये सीपीजी रीजन प्रेजेंट होगा, सीपीजी डाई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, सी मीन्स साइटोसिन, पी मीन्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड जी मीन्स ग्वानीन। सो जहां भी हमारा सीपीजी प्रेजेंट होगा वहां पे हमारा मिथाइलेशन हो जाएगा। मिथाइलेशन कैसे हो जाएगा, साइटोसिन ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, साइटोसिन की फिफ्थ पोजिशन पे 1, 2, 3, 4, 5 साइटोसिन की फिफ्थ पोजिशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसको बोलते हैं 5-methyl cytosine। सो हमारा डीएनए में जहां पे सीपीजी रीजन प्रेजेंट होता है वहां पे मिथाइलेशन होता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से, और हमारा साइटोसिन से 5-methyl cytosine बन जाता है। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस की वजह से क्या चेंज आता है, इस प्रोसेस की वजह से पेयरिंग पोटेंशियल तो चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि मिथाइलेशन होने की वजह से पेयरिंग पोटेंशियल चेंज होता है, वो डिफरेंट केस है, बट यहाँ पे पेयरिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, यहाँ पे हमारा जीन रेगुलेशन होता है। मिथाइलेशन होने की वजह से जीन रेगुलेशन होता है, कैसे, देखते हैं। डीएनए हाइपर मिथाइलेटेड होगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसका। डीएनए हाइपर मिथाइलेटेड होगा, हाइपर मिथाइलेटेड किस रीजन पे, सीपीजी रीजन पे। जहां पे भी सीपीजी प्रेजेंट है उसके साइटोसिन पे मिथाइल ग्रुप होगा, और वो बहुत ज्यादा सीपीजी होगा तो बहुत ज्यादा मिथाइल ग्रुप होगा, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन वहीं रुक जाएगा। एंड इफ हमारा डीएनए बहुत कम मिथाइलेटेड होगा, हाइपोमिथाइलेटेड होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा,
एक्टिव रहेगा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि मिथाइलेशन यदि हो जाता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होने वाले हैं, जिनकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होना है, वो आके बाइंड नहीं हो पाते, उनको साइट नहीं मिलती बाइंड होने के लिए। सेकेंड रीजन क्या होता है, जो ये हमारा मिथाइल साइटोसिन ग्वानीन है, मिथाइल साइटोसिन ग्वानीन है, इस पोजिशन पे हमारा मिथाइल साइटोसिन ग्वानीन बाइंडिंग डोमेन जिन प्रोटीन्स के पास है वो प्रोटीन्स आके अटैच होती हैं और साइट ऑक्यूपाई कर लेती हैं। कौन सी प्रोटीन्स? जिनके पास मिथाइल साइटोसिन फॉस्फोडाइस्टर ग्वानीन डोमेन है, जिनके पास ये डोमेन है, वो प्रोटीन्स आके हमारी, वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आके हमारी इस मिथाइलेटेड रीजन पे अटैच हो जाती है। किस मिथाइलेटेड रीजन पे? जो सीपीजी रीजन है, क्योंकि साइटोसिन पे क्या है, अब मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो बाइंड नहीं हो पा रहे हैं और साथ में जो दूसरी प्रोटीन्स है वो आके बाइंड हो गई है, तो और ऑक्यूपाई हो गया है स्पेस, अब हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं हो पाएंगे, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो पता चला कि कैसे जीन रेगुलेशन होता है। इट मीन्स इफ सीपीजी रीजन बहुत ज्यादा होंगे और वो सीपीजी रीजन मिथाइलेटेड होंगे तो कभी भी हमारा जो जीन ए है वो, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उसका आरएनए नहीं बनेगा, देन प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। ओके, इफ हमारा हाइपोमिथाइलेटेड है तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रेगुलेशन ही तो है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, मीन्स हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, किन कंडीशन की वजह से ऑन ऑफ हो रहा है, दैट इज रेगुलेशन। अब क्या सारे मिथाइलेशन इतने बुरे होते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं? नहीं। मिथाइलेशन मेन टू टाइप्स के होते हैं, मेंटेनेंस मिथाइलेशन और डीनेवो मिथाइलेशन। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस का मतलब है कि इफ हमारे टू स्ट्रैंड्स थे, ये रेप्लिकेशन के लिए अलग अलग हुए, तो न्यू स्ट्रैंड पे मिथाइलेशन नहीं था, तो पुराने वाला कंडीशन रिस्टोर करने के लिए, मींस पहले हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन था, अब न्यू स्ट्रैंड पे यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं है, तो इस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए मिथाइलेशन हुआ, दैट इज मेंटेनेंस मिथाइलेशन। मेंटेनेंस मिथाइलेशन हार्मफुल नहीं होता, मेंटेनेंस मिथाइलेशन की वजह से ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव नहीं होता। बट एक होता है डीनोवो मिथाइलेशन। डीनोवो मिथाइलेशन मतलब जहां मिथाइलेशन नहीं भी था ना हमारा नॉर्मल डीएनए में, वहां भी मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए सीपीजी रीजन पे, तो ये एक नई तरीके से मिथाइलेशन हुआ और बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा, हमारा जीन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, आरएनए नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात दिमाग में रखने वाली है, जब मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने वहां बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी मिथाइलेशन होता है, तो हमारा उनमें एडिनिन पे मिथाइलेशन होता है। यहाँ पे ये बात बतानी जरूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे एडिनिन पे मिथाइलेशन बताया था, यहाँ पे हमने साइटोसिन पे मिथाइलेशन बता दिया। जहां साइटोसिन पे मिथाइलेशन बता रहे हैं वो सब तो हम बात कर रहे हैं यूकेरियोट्स की, एक बार प्रोकैरियोट्स का मिथाइलेशन भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में टू पोजीशन पे मिथाइलेशन होता है, या तो एडिनिन पे होगा या वो साइटोसिन पे होगा। एडिनिन पे कब होता है? एडिनिन पे इसलिए होता है जिससे कि वो एक फ्लैग दे सके, एक सिग्नल दे सके कि हाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। जहां पे भी जीएटीसी रीजन प्रेजेंट होता है उसके एडिनिन साइट पे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जहां पे भी जीएटीसी रीजन प्रेजेंट होता है उसके एडिनिन साइट पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है सिक्स्थ पोजीशन पे, जो कि एक सिग्नल देता है कि यस अब रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया जाए। एक बैक्टीरिया में जो मिथाइलेशन होता है वो साइटोसिन पोजीशन पे होता है, फिफ्थ पोजीशन पे ही होता है, बट उसका रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए होता है कि बैक्टीरिया के पास अपने भी एंडोन्यूक्लियसिस है, तो वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट करने के लिए उन एंडोन्यूक्लियसिस से, इसलिए मिथाइलेशन होता है। तो यहां पे आपको बता दिया जाए कि बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का कोई मतलब नहीं है रेगुलेशन और मिथाइलेशन का। प्रोकैरियोट्स में चाहे साइटोसिन पे मिथाइलेशन हो रहा है, चाहे एडिनिन पे मिथाइलेशन हो रहा है, उनका अलग डिफरेंट रीजन है। बट यूकेरियोट्स में मिथाइलेशन होना या ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि जीन रेगुलेट होगा या नहीं होगा। ओके, अब एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सीपीजी आइलैंड, जिसको बोलते हैं सीपीजी आइलैंड। अब सीपीजी आइलैंड क्या होता है? ये बात देखी गई कि डीएनए में कुछ जगह पे बहुत ज्यादा सीपीजी प्रेजेंट होता है, साइटोसिन ग्वानीन के पेयर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो उस एरिया को बोलते हैं सीपीजी आइलैंड। सीपीजी आइलैंड हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो हमारे इंट्राजेनिक हो सकते हैं, इंट्राजेनिक हो सकते हैं, या वो हमारे इंटरजेनिक हो सकते हैं, या वो हमारे इंटरजेनिक हो सकते हैं। कैसे?
ये हमारे दो जीन है, ए जीन बी जीन। इफ सीपीजी आइलैंड हमारे जीन के बिटवीन प्रेजेंट है तो वो है इंट्राजेनिक, तो वो है हमारा इंट्राजेनिक। और वो हमारे दो जीन के बिटवीन जो एक अनट्रांसलेटेड रीजन है वहां प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं इंटरजेनिक। अब आप बताइए कि इंटरजेनिक में सीपीजी आइलैंड है भी तो फर्क नहीं पड़ता, जो रीजन हमारा एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है वहां पे जीन के बिटवीन जो एक रीजन प्रेजेंट होता है जो जीन को अलग करता है, यदि वहां पे प्रेजेंट है भी हमारा सीपीजी आइलैंड और मिथाइलेशन हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बट इफ हमारा इंट्राजेनिक हमारा प्रेजेंट है, इफ हमारा इंट्राजेनिक प्रेजेंट है हमारा सीपीजी आइलैंड और वो मिथाइलेटेड हो गया तो यहां पे हमारा ए जीन एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा। बट ये कंडीशन देखी गई कि जब इंट्राजेनिक होता है तो मिथाइलेशन नहीं होता सीपीजी आइलैंड पे, बट जब इंटरजेनिक होता है तो मिथाइलेशन हो जाता है। इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट ये पॉजिटिव बात ही है कि हमारा इंट्राजेनिक में मिथाइलेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जीन ए आ रहा है। और इफ सेल को खुद भी जीन ए को इनएक्टिव करना हो तो वो मिथाइलेशन कर सकता है, बट नॉर्मली हमारा सीपीजी आइलैंड में मिथाइलेशन नहीं होता इंट्राजेनिक कंडीशन में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं, ओके? आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स के साथ, ओके? तो सीपीजी आइलैंड समझ में आया क्या होता है, एंड इंट्राजेनिक सीपीजी आइलैंड, इंटरजेनिक सीपीजी आइलैंड क्या होते हैं। इंटरजेनिक में हमेशा मिथाइलेशन रहता है, इंट्रा में नहीं रहता है। अब इंट्रा में आ गया तो क्या होगा, इंट्रा में आ गया तो जीन इनएक्टिव हो जाएगा, ओके? अब इसी मिथाइलेशन की वजह से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में डीएनए की वजह से। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, एक छोटा सा टर्म आती है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और एलीलिक एक्सक्लूजन। वो क्या होती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में। कोई भी हमारा ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें हमारा एक जीन जो होगा ए जीन है वो एक मदर से होगा जिसको मैटरनल एलील बोलते हैं। हर एक जीन की टू कॉपी होंगी, एलील होंगे टू, तो हमारा एक अलील जो होगा वो मदर से होगा जिसको मैटरनल अलील बोलते हैं, एक अलील फादर से होगा जिसको पैटरनल अलील बोलते हैं, ओके? नॉर्मल कंडीशन में जो ए जीन मदर से आ रहा है उसकी भी प्रोटीन बन रही है, जो फादर से आ रहा है उसकी भी प्रोटीन बन रही है। इसको बोलते हैं होमोजाइगस है कंडीशन, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। मींस कंडीशन होमोजाइगस है फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी, ओके? बट कुछ केसेस में क्या होता है, या तो मदर का ही एलील एक्सप्रेस होगा या हमारा फादर का ही एलील एक्सप्रेस होगा, दूसरा एलील एक्सप्रेस होगा ही नहीं। अब पहली बात तो ये कि दूसरा एलील क्यों एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे एलील में हमारा मिथाइलेशन हो गया है। बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से आता है, दोनों पेरेंट से नहीं आता, वो हमारा फादर से आता है, ओके? तो मदर का जो हमारा एलील था उसमें हमारा क्या हो गया, उसमें हमारा मिथाइलेशन हो गया। मिथाइलेशन होने की वजह से हमारा वो इनएक्टिव हो गया। अब वो इनएक्टिव अलग अलग जीन्स में अलग अलग केसेस में होता है, किसी में मदर का इनएक्टिव हो जाता है, किसी में फादर का इनएक्टिव हो जाता है, तो जो बेबी है उसमें सिर्फ फादर का जीन, उस जीन के लिए, उस एक जीन के लिए फादर का ही एक्सप्रेशन आएगा, मदर का एक्सप्रेशन उसको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मदर का जो एलील है वो हमारा इनएक्टिव हो गया है, उसमें मिथाइलेशन हो गया है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो इन केसेस में जो ऑफस्प्रिंग है वो स्ट्रक्चरली तो होमोजाइगस है, स्ट्रक्चरली तो नॉर्मल है, होमोजाइगस है, बट फंक्शनली वो हेमीजाइगस है। हेमीजाइगस कब बोलते हैं, जब रिसेसिव भी अपने आप को शो करता है। इफ मदर के अलील में मिथाइलेशन हो गया, मदर के अलील में मिथाइलेशन हो गया, उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं भी किया, तो इफ फादर का स्मॉल ए भी है, फादर का हमारा रिसेसिव भी है, जब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसको डोमिनेंट करने वाला कोई है ही नहीं, तो इन कंडीशंस को बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। तो ऐसे केसेस में हमारा मिथाइलेशन होता है जिसकी वजह से हमारा एक एलील जो है इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और इस प्रोसेस को हम ये बोल सकते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन, कि कोई भी एलील का एक्सक्लूजन कर दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको काउंट ही नहीं किया, इसको बोलते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। तो जो मिथाइलेशन का हमारा एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं वो यही है कि किसी किसी केस में सिर्फ एक ही पेरेंट का एलील एक्सप्रेस होता है तो दूसरे पेरेंट के एलील पे मिथाइलेशन हो जाता है और वो एलील एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता, एलीलिक एक्सक्लूजन और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग।
तो हमारा ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में डीएनए का कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट आता है हिस्टोन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन एंड देन नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.